आज इस पैरामीटर्स के बारे में हम देख लेते हैं, जेफेट पैरामीटर्स। जेफेट पैरामीटर्स का मतलब क्या हो गया कि जेफेट में जो हमने पढ़ा था जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे एक इक्वेशन जिसके थ्रू हम लोग जेफेट को का न्यूमेरिकल्स या सॉल्व करेंगे। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड शॉकले इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखना है इस इक्वेशन को। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड शॉकले इक्वेशन। शॉकले इक्वेशन क्या होता है? ये शॉकले इक्वेशन एक आईडी एंड वीजीएस के बीच में रिलेशन डिफाइन किया जाता है, जो कि गिवन बाई शॉकले, एंड इट इज डिफाइंड एज आईडी इज इक्वल टू आईडीएसएस वन माइनस वीजीएस बाई वीपी का होल स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आईडी इज इक्वल टू आईडीएसएस वन माइनस वीजीएस बाई वीपी का होल स्क्वायर। ओके, सो यहां पे कि आईडीएसएस का मतलब जानते हो आप लोग, मैक्सिमम ड्रेन करंट होता है। वीपी का मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज हो गया, और वीजीएस का मतलब वोल्टेज बिटवीन गेट टू सोर्स। इसके बाद ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को ध्यान पर रखना है सब लोगों को, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस इक्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे पैरामीटर्स ऑफ जेफेट, जेफेट पैरामीटर्स के बारे में। तो जेफेट का पैरामीटर्स, पहला पैरामीटर हम पढ़ेंगे वो है ड्रेन रेसिस्टेंस, आरडी। अच्छा, ड्रेन रेसिस्टेंस किस का मतलब क्या हो गया? आरडी कहाँ पे होगा? आरडी का मतलब हो गया आउटपुट में। ड्रेन रेसिस्टेंस, ड्रेन पैरामीटर कहाँ पे होता है? आउटपुट में होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया वी बाई आई, है ना। तो आउटपुट यानी कि ड्रेन रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल वर्ड में समझ लीजिए आउटपुट रेजिस्टेंस, है ना। और आउटपुट रेजिस्टेंस का मतलब हो गया आउटपुट करंट बाय आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट बाय आउटपुट वोल्टेज, यानी कि डेल आईडी बाय डेल वीडीएस बाय डेल आईडी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसा कि हम लोग बीजेटी में पढ़ रहे थे आउटपुट रेजिस्टेंस एंड इनपुट रेजिस्टेंस, उसी तरीके से इसमें ड्रेन रेजिस्टेंस को हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस के तौर पे देखते हैं, क्योंकि ये ड्रेन रेजिस्टेंस आउटपुट में होता है, यानी कि चेंज इन रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन ड्रेन करंट इज नथिंग बट कॉल्ड ड्रेन रेसिस्टेंस ट्रांसकंडक्टेंस, है ना। आप लोगों को रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? V by I, है ना। रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है V by I, तो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? I by V, क्लियर है। कंडक्टेंस इक्वल टू हो जाएगा I by V, यानी कि I by V को रेशियो को हम लोग कंडक्टेंस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ट्रांसकंडक्टेंस, ट्रांसकंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कंडक्टेंस होता है उसको ट्रांसकंडक्टेंस बोलेंगे। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में होती है? आईडी वर्सेस वीजीएस, यानी कि आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज। इसका मतलब ये हो गया कि द रेशियो ऑफ आईडी वर्सेस वीजीएस, यानी कि डेल आईडी बाय डेल वीजीएस के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसकंडक्टेंस। ये इसका डेफिनेशन है, लेकिन इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है इसकी तरफ इस तरीके से, इसको डिराइव कराएंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। GM इज इक्वल टू GMO, GMO क्या होता है वो मैं बताऊंगा, 1 माइनस VGS बाय VP। फिर से रिपीट कर रहा हूं, GM इज इक्वल टू GMO 1 माइनस VGS बाय VP, ठीक है। ये कैसे आता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, सो ट्रांसकंडक्टेंस को हम लोग क्या करते हैं? डेल आई डी बाई डेल वीजीएस लिखते हैं, और जहां पे कि वीडीएस को हम लोग क्या करते हैं? कॉन्स्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो अब डेल आई डी बाई डेल वीजीएस, डेल आई डी की वैल्यू अगर मैं शॉकले इक्वेशन वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, यानी कि आई डी एस एस वन माइनस वीजीएस बाई वीपी का होल स्क्वायर, और इसको मैं वीजीएस के तौर वीजीएस से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूं, तो क्या मिलेगा? टू, तो यहाँ पे आई डी एस एस ये हो गया, और ये मिल जाएगी वैल्यू वन प्लस वीजीएस बाई वीपी का स्क्वायर। इसको मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले ब्रेक कर दिया, 1 प्लस वीजीएस बाई वीपी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वीजीएस बाई वीपी, और इसको मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ वीजीएस के रिस्पेक्ट में। ओके, क्लियर है। तो इसका जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा ये 1 तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2 इंटू वीजीएस, और 1 बाई वीपी का स्क्वायर का मिल गया, 1 बाई वीपी स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, क्योंकि हम लोग वीजीएस के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू मिल जाएगी 1 बाई वीपी स्क्वायर इंटू 2 वीजीएस माइनस इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2 बाई वीपी, और इसमें से हमें कॉमन क्या हो जाएगा? वीपी, दोनों में वीपी है, तो ये इक्वेशन मिलेगा माइनस 2 आईडीएसएस बाई वीपी
वन माइनस वीजीएस बाई वीपी, और ये कहलाएगा जीएम यानी कि ट्रांसकंडक्टेंस। और ये जो वैल्यू है माइनस टू आई डी बाई एस एस बाई वीपी जिसको मैं पहले बोला था, ये कहलाएगा जीएमओ। तो जीएम इज डिफाइंड एज जीएमओ इंटू वन माइनस वीजीएस बाई वीपी, जहां पे कि जीएमओ की वैल्यू माइनस टू आई डी एस एस बाई वीपी के बराबर होती है। तो ये ट्रांसकंडक्टेंस को आप लोग अच्छे समझना, हमने क्या किया ID को यानी कि शॉकले इक्वेशन को VGS के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, उससे हमें जो वैल्यू निकल गई वो हो गई ट्रांसकंडक्टेंस की वैल्यू। ठीक है, क्यों किया इस हमने, क्योंकि GM जो होता है वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में ID वर्सेस VGS के रेशियो को कहते हैं। ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज एम्पलीफिकेशन फैक्टर। एम्पलीफिकेशन मतलब कि एम्पलीफाई क्यों, यहाँ पे हम वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्यों वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की बात कर रहे हैं, करंट एम्पलीफिकेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि JFET एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, जहाँ पे कि BJT क्या होता था, करंट कंट्रोल डिवाइस होते थे। इसीलिए यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर यहाँ पे हम निकालेंगे, क्योंकि ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर का मतलब क्या, एक तरीके से वोल्टेज गेन समझिए आप लोग, गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, है ना। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, VDS ड्रेन टू सोर्स के बीच में, और इनपुट वोल्टेज क्या होता है, VGS यानी कि गेट टू सोर्स के बीच में। तो डेल VDS बाय डेल VGS के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन फैक्टर। आपको डिफाइन करना है एक लाइन में, तो कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द रेशियो बिटवीन आउटपुट वोल्टेज यानी कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज to gate to source voltage when ID is equal to constant. It can be also written as here, ये line ध्यान से देखना, mu is equal to GM into RD. How? GM into, GM का मतलब transconductance, RD का मतलब drain resistance. तो अगर आप ये line देखिए mu वाली, यानी कि equation number one, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, mu is del VGS, VDS by del VGS है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि del VDS की वैल्यू है ना डिवाइड बाई आईडी, डेल आईडी कर दो यहाँ पे, और इनटू फिर डेल आईडी इनटू ऊपर भी यहाँ पे डेल आईडी से मल्टीप्लाई कर दूं, इनटू डेल आईडी बाई डेल वीजीएस, क्या बन जाएगा ये अगर मैं इस तरीके से इसको लिख दूं, तो कोई दिक्कत है इस इक्वेशन के, इक्वेशन नंबर वन को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इनटू डेल वीजीएस, है ना। तो ये जो इक्वेशन बना डेल VDS बाई डेल ID, ये क्या बना, V बाई I हो गया रेसिस्टेंस और I बाई V हो गया ट्रांसकंडक्टेंस। तो ये जो डेल VDS बाई डेल ID जो वैल्यू हुई, डेल VDS बाई डेल ID, ये हो गया आपका RD और ये क्या हो गया आपका GM। तो दैट्स वाई इट इज रिटन एज mu इज इक्वल टू GM इंटू RD। ओके, सो JFET पैरामीटर्स में इतना ही।